डिस्ट्रक्शन टाइप, ठीक है। नेक्स्ट ये करो, कहता है एक स्पिरिकल प्लेनेट है जिसका मास m है, डायमीटर d है, प्लेनेट है जिसका मास m है, डायमीटर d है, और एक पार्टिकल फॉल करता नियर द अर्थ सरफेस, तो उस पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन होता है एक्चुअली ग्रेविटेशन से आसान क्वेश्चन ही आता है प्यारे बच्चों, ना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं। तो कहता है एक स्पिरिकल प्लेनेट है, ये स्पीयर है, ठीक है, स्पिरिकल प्लेनेट है जिसका मास एम पी है और रेडियस आर पी है, प्लेनेट रेडियस नहीं है, डायमीटर है, रेडियस जो है वो एक्चुअली डायमीटर है, तो ये डायमीटर डी बाई टू आ जाएगा, डायमीटर आर पी है, ठीक है। तो मास यहाँ से फॉल कर रहा है, एक मास गिराया जा रहा है, समझना इसको बड़े ध्यान से समझना, मास अगर गिराया जा रहा है तो वो जो मास है प्यारे बच्चों वो फॉल कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा होगा तभी तो फॉल कर रहा होगा। तो ये स्मॉल एम है और इसका मास एम पी है, तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो कैपिटल जी मास छोटू मास और एम पी, ठीक है, और कैपिटल इनके बीच ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, दैट हाइट इज नेग्लिजिबल, ऐसा बताया गया, नियर टू अर्थ सरफेस है तो दैट हाइट इज नेग्लिजिबल एंड दैट हाइट इज डी पी बाई टू, तो ये आ जाएगा डायमीटर डी पी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4g कैपिटल एम पी स्मॉल m और डायमीटर डी पी का स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब हमें निकालना कि ये ग्रेविटी कितनी फोर्स फील कर रहा है, ग्रेविटी g की वैल्यू निकालनी है, तो g की वैल्यू निकालनी है तो इस फोर्स को मैं mg से इक्वेट कर दूं, इस फोर्स को मैं mg से इक्वेट कर दूं, तो m ने m को, मतलब g की वैल्यू जो आ जाएगी वो 4 कैपिटल g m मास m p डायमीटर डी पी का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि 4g m p और डायमीटर डी पी का स्क्वायर, ठीक है। और इसे भी यार ग्रेविटी जो होती है गिरने वाले बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये इन दोनों में से एक ही सही होगा जो हम लोग इसको